Are you okay? Hegi to nahi? नायल भाई को जो लोग देखने आ रहे थे उनकी गाड़ी ने अकबर आजमी गैस की पाइप तोड़ दी है। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। जाने दीजिए शाह साहब, आप जानते हैं वो अकबर आजम जो है वो है ही कमजोर इंसान। हमसे ज्यादा कमजोर है? अरे क्या कह रहे हैं? अरे मतलब ये है कि वो मुझे जानता नहीं है। एक फोन कॉल करूंगा सबके सब उठ जाएंगे। चले गुस्सा ठंडा कीजिए, भूल जाइए इस बात। बच्ची नजर नहीं आ रही, वो जरा बाहर फोन सुनने गई है। जरूरी कॉल है क्या? अरे भाई जरूरी होगी, इतना टाइम किसके पास है कि ऐसी फजूल की कॉलें वगैरह करता रहे। ऐसी भी कोई बात नहीं, बड़ा वक्त है लोगों के पास बहुत। अब आप उसी वाकये को देख लें, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी उस समय। ओहो, ऊपर से वो पाइप लगा दिया, ऊपर से लड़ाई कर ली। अरे छोड़िए गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप चाय में चीनी कितनी लेंगी? बस एक चम्मच, मगर दो दफा। अब मैं उनको अंदर बुला कर ले आता हूँ, कराची शहर है, पता नहीं कहीं मोबाइल वोबाइल ना चल जाए। अब शाह साहब गाड़ी आप खुद चला रहे थे? जी जी मैं खुद ही चला रहा था। अब यहाँ लोगों को कोई सलीका ही नहीं है, जिसका जिधर दिल जाता है स्पीड ब्रेकर बना देता है, कुछ भी बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, मतलब स्पीड ब्रेकर जो होता है ये एक वक्त के लिए स्पीड कम करने के लिए है। ये तो नहीं ना कि गाड़ी की हमेशा के लिए आप स्पीड कम कर दें। लजा फरमाया। बेटे आप चाय पियेंगी? नो थैंक्स। कोल्ड ड्रिंक? नो, दरअसल लायका सिर्फ फ्रेश जूस पीती है। भाभी जी जरा मैं किचन से होके आई। मैं भी अभी आती हूँ। ये नहीं, ये है नहीं, ये डब्बे वाला जूस है और आपको पता है मैं फ्रेश जूस पीती हूँ। डब्बे वाला? सुनो मेरी समझ में तो ये लड़की बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे तो खूब अच्छे से समझ आ गई। क्या समझ आ गई तुम्हें? यही समझ आ गई भाभी जान कि ये लड़की हमारे घर में नहीं बस सकती। हमारा नायल तो जूस बना बना के पागल हो जाएगा। क्या करे फिर, नायल को कहीं कमरे से ही ना निकले बाहर। लगता है मेहमान आए हैं, ऐसे थोड़ी बात है। अरे मिसेस खान को कहेंगे ना, वो जाके इनकार करें, हम क्यों बुरे बने। खैर अब इतने डरने वाली बात भी नहीं है, तुम तो बस पीछे ही पड़ गई थी, सिर्फ उसने फ्रेश जूस तो मांगा था, इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। ओ भाभी जान मेरे दिल में शक डाल के खुद ऐसी बातें कर रही है। अच्छा छोड़ो चलो बाहर चलते हैं, सनम मेहमान महसूस करें हम पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हम कौन से उनकी बातें कर रहे हैं, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं। लो जी अभी उनके खिलाफ आप बात नहीं करी तो ये हाल है। तू कहां से हमारी बातें सुनने को आ जाता है? जिस तरह आप लोग गायब हुए थे ना, मुझे कंफर्म हो गया था कि आप लोग जरूर चुगली सेशन लगा रहे होंगे। ये जो तू इंस्पेक्टर जमशेद के नॉवल पढ़ पढ़ के जासूस बनने की कोशिश कर रहा ना, ये कोई अच्छी हरकत नहीं। जा जाके नायल को देख। अरे नायल भाई को तो हम रोज देखते हैं, आज चले कुछ नया करते हैं, मेहमानों को देखते हैं। देखो सर अच्छा वो फ्रेश जूस का मसला हल हो गया? हाँ हाँ वो तो हो गया। चलो चले जाके देख नायल को। आप लोग मिठाई लेना समझे जी। अरे बेटा आपके लिए जूस ले लो, ये भी बहुत अच्छा होता है। नहीं चला थैंक यू। भाभी जान बुला रही हैं आपको, कह रही हैं आके खाने में जरा नमक चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया फर्स्ट क्लास। अरे मकसूद साहब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, खाना तो हम लोग वैसे भी खा कर आए। भाभी जान ने रेसिपी चेंज की है, जरा नमक चेक कर लें जाके। हाँ तस्दीक कर लेते। अच्छा बेटा फ्रेश जूस पीने ग्रावा और आप क्या करती? जी आंटी मैं वो आपके साहबजादे कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है नायल को बुला लेना चाहिए। नायल बिल्कुल मेरे बेटो जैसा, वैसे मेरा भतीजा बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा बच्चा है। त्यार बुलाने के अभी आता होगा। जी जी बिल्कुल सर। समोसे भी तो आप लेना मिठाई। जी जी
अरे अब जल्दी भी कर लें, लड़की वालों ने एक कप चाय नहीं पी है। कह रहे हैं कि लड़का देखने आया है तो लड़के के हाथ से ही चाय पियेंगे। यार बिल्कुल आज एक भी बकवास की ना मैं गला दबा दूं। तारीख गवाह है कि हमेशा सच का ना कला घोटा गया है। बस भी करें वरना वो लोग बोलेंगे कि नहाता नहीं है, सिर्फ परफ्यूम पे गुजारा करता है। वैसे कि बुरी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच बताएं आपको वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मिसेस खान से मैं बात कर लूं। हसीन हूं, जवान हूं और वैसे भी इस साल के आखिर में मेरी बीसी खुल रही है। बीसी खुलेगी ना तो सबसे पहले तो मेरा उधार चुकाएगा, समझा? गांव बसा नहीं, डाकू पहले आ गए। नहीं कर रहा शादी में, खुश अब चले ना। अरे दो मिनट में क्या नूडल बन रहा है? ये फालतू बातें कैसे करता तू? क्योंकि मुझे आती हैं, ये फन है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ना। अब चलें, चलें। ये लोग नायल के रिश्ते के लिए आए हैं, आपके रिश्ते के लिए नहीं आए। ज्यादा बाचे फैलाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अब सड़ा हुआ मुंह तो नहीं ले जाता ना आदमी मेहमानों के सामने। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है, पराई औरतों के सामने हीरो बनने की आपको कितनी आदत है। बस कर दें अब। बात का बतंगड़ बना रही हो तो मेहमान से, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फैमिली बुरी नहीं है, अच्छी। अच्छा, वैसे किसी के बारे में इतनी जल्दी इतनी अच्छी राय कायम नहीं करनी चाहिए। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि इसी वक्त अभी मौलवी बुलवा के निकाह पढ़वा लो भाई। पता है मुझे आप क्या कह रहे हैं? हाँ, लड़की पढ़ी लिखी है। अच्छा तो हमने कौन सा स्कूल चलवाना उससे है? आते ही फ्रेश जूस मांग लिया है? मेरे बेटे को लेकर रास्ता ले लेगी, देखिएगा आप। आपको पता नहीं आजकल की लड़कियों का, आप जानते नहीं है। आप मौका कब देती हैं कि इंसान कुछ जान पहचान करे? मौका दे भी दूं ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसे मुंह सुजवा के आ जाएंगे आप। अच्छा चले बाहर, ऐसा ना वो समझ ले कि हम उनके खिलाफ बातें करें। चल चल के सामने जा। जी अम्मा, ठीक से खाना खा लिया मैंने, आप फिक्र ना कीजिए। यहाँ सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। चले आप सो जाए, मैं भी सोती हूँ, ठीक है? अम्मी अभी तो काम शुरू किए, छुट्टी कहाँ मिलेगी अभी। चले आप सो जाए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अम्मी का फोन था। अभी तक नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? काम से बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ भैया। मैं क्या तुम्हें जानती नहीं? जानती हूँ और फिर भी ऐसा मजाक किया। सोया क्या यार, वो मजाक था। इतना सीरियस क्यों हो रही हो तुम? और नाइल कोई बुरा इंसान नहीं है, तुमने उसको ड्राइवर कहा, उसने जोक कैरी किया, बस। तुम उसकी कजन हो या मेरी? अब तक तुम उसी की साइड ले रही हो। वो तो ऐसे भाई का दोस्त है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। वो अपने किए पे शर्मिंदा है, तुम्हारे से माफी मांगना चाहते है। उसको एक मौका तो दो। है कौन होती है मौका देने वाली, मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं उसे माफ करूँ या ना करूँ उसे क्या फर्क पड़ता है, मेरे उससे ताल्लुक ही क्या है। जोया ताल्लुक बनाए जाते हैं। बेटा लाइका को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? नहीं। हाँ मेरा मतलब है कि वो काफी फैला हुआ है अभी। अरे हमारा भी कमरा बहुत फैला हुआ होता था शादी से पहले। शादी के बाद भी वही हाल है। बेटा जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? जी अच्छी चल रही है। क्या करते हो? जी मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, एक आईटी फर्म में प्रोजेक्ट हेड हूँ। वो क्या करता है? कौन? वही जो तुम बता रहे हो। जी वो प्रोजेक्ट हेड हूँ तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम खुद कोई काम नहीं करते बल्कि करवाते हो लोगों से। अम्मी प्रोजेक्ट हेड के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा तो मैं अगर समझाऊंगी तो क्या इन्हें समझ में नहीं आएगी? मेरा मतलब वो नहीं था। तो टोन तो वही थी ना, यही तो मसला है इस मुल्क में, लड़कियों को इंसान ही नहीं समझा जाता, हालांकि हर फील्ड में लड़कों से आगे होती हैं।
मुझे लगता है कि खाना खा लेना चाहिए। मुझे भी लगता है कि पहली बार आपको ठीक वक्त पे सही लगा, खाना खा ही लेना चाहिए। ये लो, एक तो जब भी औरतें कोई जरूरी काम करने लगती हैं, तो ये खाना बीच में आ जाता है। कभी शोहर का खाना, कभी बच्चों का खाना, तो कभी भाई का खाना। नहीं बेटे, मैंने तो इस रूप सोचा था कि वैसे ही कोई नहीं सोचता अंकल, हर सोच के पीछे एक सोच छुपी होती है, एंड आई थिंक वही असल सोच होती है। वाह, खूबसूरत बात की है बच्ची ने। खाना खा लें, सारी खूबसूरती आज ही दिख जाएगी आपको। है क्यों शाह साहब, क्या ख्याल है? नीकी और खुश। चलो भाई फिर लगाओ खाना। ये रिफ्रेशमेंट और इतने खाने का खर्चा है, लड़की है एनजीओ वाली निकली, मुझे पसंद नहीं आई वैसे। चलिए आइए डाइनिंग रूम में चलते हैं। आइए। जोया देखो, मैं जानती हूँ तुम यहाँ अपना करियर बनाने आई हो, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपना अच्छा बुरा सब समझती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि फुप्पो के दिल में क्या है। क्या है? वो नहीं चाहती कि तुम इस तरह से घर से दूर रहकर नौकरी करो। देखो अगर तुम लोगों को मेरे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम। पागल हो गई हो क्या? अगर ऐसी बात होती मैं पहले ही बोल देती, हम तो बहुत खुश है तुम यहाँ आई हो। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बात यह है कि कोई मां नहीं चाहती कि उसकी बेटी शादी की उम्र में नौकरी करे। शादी? शादी कहां से आ गई? लड़की की जिंदगी में पैदाइश से ही शादी होती है, क्योंकि लड़की के लिए और कोई काम सोचा ही नहीं जाता। लड़की बड़ी होगी, शादी कर दो। मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है फिलहाल। कभी ना कभी तो शादी करनी होगी ना। तो क्या इसके लिए अभी कर लो? नहीं, मैंने कब कहा है अभी शादी करो। मैं तो बस कह रही थी कि किसी को कंसिडर करना वो तो कोई बुरी बात नहीं है ना। अच्छा, तो किसे कंसिडर करूं? नाइल को। What? कैसी लगी लड़की? बुरी, बहुत बुरी। मुझे तो ठीक ठाक लगी है, जरा डोमिनेटिंग है, एनजीओ टाइप जिस तरह के होती है। यही मेरे दिल में था ना। वैसे मुझे बिल्कुल मालकिन जैसी लगी, और मैं नहीं चाहता कि नायल भाई की जिंदगी बिल्कुल मालिक जैसी गुजरे। इख्तियार मत कर ले अपनी जुबान। हराम है वैसे मिसेस खान, जो एक भी ढंग का रिश्ता आप लेकर आई। इससे अच्छे रिश्ते तो मेरे पास बिलावजम इतने दिन से जहर लड़कियां देखे चले जा रहे। फिर आप ही बुलवा लें किसी हूर परी को। हाँ बुलवा लेंगे तो फिर आपका क्या काम रह जाएगा? बस सिर्फ चाय बिस्किट। बस बात चाय बिस्किट से बहुत आगे निकल गई है। हफ्ते दो साड़ियां भी ले जा चुकी मेरी। अगर आप लोगों को ये काम इतना आसान लगता है तो फिर खुद ही क्यों नहीं कर लेते? मुझे इजाजत दे। इजाजत है बिल्कुल। ये भी मेरे दिल की बात भाई, बहुत ही बदतमीज मुलाजिम है आप लोगों का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मिसेस खान, लेकिन बच्चा इस वक्त हक पे है। जी जी शहनाज जी, ऐसे नहीं करते किसी के साथ। मैंने लाइन लगा दी रिश्तों की, आप लोगों को पसंद नहीं आता तो मैं क्या करूं? लेकिन आप जरा सा कोशिश करें ना मिसेस खान, जरा सी कोई अच्छी लड़कियां हो। आप भी कमाल करते हैं। मैं लड़के का बाप हूँ, तो मेरा भी हक है लड़की के इंतखाब में। नहीं ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे, लेकिन मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ए बहन, दरवाजे बंद कर लिया करना, कराची में तो चोरी बहुत जल्दी होती है।
उठा लो, नायल कहीं है। तुम्हें कैसे पता? पता तो तुम्हें भी है जोया। बुरा लड़का नहीं है और किसी को माफ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तुम बात करो, मैं सोने जा रही। हेलो। हेलो, हाय। किसी काम से फोन किए? बस टाइम पास के लिए। बस ऐसे ही समझ लें। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, फोन नहीं बंद करना। अच्छा बोलो, जो बोलना जल्दी से। पहले ये बताओ कि तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? क्यों करूं माफ? सॉरी बोल रहा हूँ यार। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। सॉरी। अभी भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा यार, सॉरी सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी मासूम सी क्यूट सी सजा दे देना मुझे। क्यूट सी सजा? जाहिर है इतना मासूम सा हूं तो क्यूट सा हूं तो क्यूट सी सजा दे देना। और ये गलत फहमी आपको किसने डाल दी? बहुत सारे लोग हैं। पहले मेरे अम्मी अब्बू, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल टीचर, फिर मोहल्ले की आंटीज और फिर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स थे या गर्लफ्रेंड्स? नहीं। ओ, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जानने को मांगता? नहीं, वैसे ही कहा था। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ कि मैं एक गैर गर्लफ्रेंड शुदा लड़का हूँ जिसकी अम्मी और फुफो उसे हर हफ्ते कम से कम 8 लड़कियां दिखाती हैं और उन्हें खुद एक भी पसंद नहीं आती। और तुम्हें? साहिर है लड़का हूँ, एक आध तो पसंद आ जाती है, जैसे आजकल एक लड़की पसंद आई। अच्छा, पूछोगी नहीं कौन? जी नहीं, मुझे नहीं जानना। प्लीज पूछ लो। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जरा स्लो हो जाए। कमाल है, लोग कहते हैं कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, तेज कर लें, तुम उल्टा कह रही हो। अगर बगैर देखे तेज चलेंगे तो गिर जाएंगे मुंह के बल। मैं तो हजार बार मुंह के बल गिरने को तैयार हूँ अगर कोई उठाने वाला हो। ओह, शायर भी हैं आप, सो कॉल्ड। आगे आगे देखते जाइए हमारे कारनामे। अच्छा, मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं रखती हूँ, गुड नाइट। ओहो, इतनी जल्दी क्या यार, मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं तो नहीं भाग रहा। आपका क्या है, आप तो ऑफिस जाके भी सो जाएंगे, मुझे तो काम करना है ना। गुड नाइट। ओके बाय। I like this girl. I like this girl. हाय अल्लाह, आप क्या करें, मिसेस खान भी गई हाथों से। अरे भाभी जान, हर बात में कोई अच्छाई होती, हर बात किसी अच्छे के लिए होती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी कमर के दर्द में क्या अच्छाई है। मुझे लग रहा है कि मोहरे खिसक गए मेरी कमर के, या पता नहीं हड्डियां गल रही है। क्या हो गया, ये सब तुम्हारे भेजे में भरा हुआ है? वही तो कह रही हूँ, जब दिमाग में ऐसी चीजें भरती चली जाती है भरती चली जाती है, आखिर में ब्रेन ट्यूमर निकलता है। फल्ला, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ आगे से तुम पता नहीं क्या कह जा रही हो। अरे भाभी जान, मिसेस खान दुनिया में कोई इकलौती तो नहीं रहेगी ना रिश्ते कराने वाली, और बहुत सी हैं। किसी एक का नाम बताओ। और गूगल थोड़ी हूँ मैं कि फट से बोल पड़ूँ, सुबह ताज़ा दम होके एक दो को फोन लगाऊंगी फिर बताऊंगी। अच्छा सुनो, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। यही बात, यही तो कह रही हूँ, फौरन निकाल भार करें दिमाग से, इसी तरह चीजें जम जम के ना खतरे की घंटी बजने लगती है। अरे भाई सुनो तो सही, नायमा है ना मेरी बहन, वो आपकी लाहौर वाली बहन? हाँ हाँ, मासूम सी खच्चर जैसी है ना। भाई भाभी जान, बहन की मासूमियत के लिए कोई अच्छा जानवर ही चुन लेती। अच्छा बस रहने दो, सुनो, उसकी बेटी है बड़ी प्यारी रिमशा। रामशा? रिमशा, खच्चर जैसी बोली। क्या है तुम्हें? अरे भाभी जान, मजाक कर रही थी मैं। भाई नायल को पसंद आ जाएगी तो हमें क्या एतराज हो सकता है, आपको बर्दाश्त कर लिया तो बच्ची को भी बर्दाश्त कर लेंगे। मैं तो तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, देखो नायल की तुम फिक्र मत करो, जो मुझे पसंद होगा उसको भी वही पसंद होगा। मैं आज ही बात करती हूँ नायमा से। खच्चर से? खच्चर ना करो मुझे।
अरे कहां से निकल आता है ये इख्तियार का बच्चा? नायल की शादी तो जोया से ही हो रही। आपके ख्याल में मैं मुंह फटर बदतमीज हूँ? ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं, वालदा मरहूम है जो थी उनका भी कुछ ऐसे ही ख्याल था तुम्हारे बारे में। अच्छा बस, मैं उनके बारे में कोई फजूल बात नहीं करना चाहती, अल्लाह उनकी मगफिरत करे बस। अगर करोगी भी फजूल बात तो वो आएंगे ख्वाब में और आके तुम्हारा गलत दें। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। सुबह की चाय इतनी देर से दे रहा है तो दोपहर का खाना तो शायद आधी रात को देगा। पप्पो आपको सुबह की चाय को देखकर क्यों आपको रात का खाना याद आ जाता है? वैसे ना आपकी खुश खुराकी देखकर मुझे जुरासिक पार्क याद आ जाती है। कमबख्ती मारे मुझे डायनासोर कह रहे हैं वो जुरासिक पार्क वाले। अरे मैं वो डायनासोर की थोड़ी बात कर रहा था, मैं तो उन डायनासोर की बात कर रहा था जो दिन भर पत्ते खाते और रात में लड़कियां। इख्तियार बुरी बात है, बदतमीजी सुबह सुबह बुरी बात है। अच्छा ठीक है भाभी जान, आप भी दोपहर और शाम को करे तो ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, कह लें आप लोग, मेहमान हूँ ना इसलिए कुछ नहीं कहती। यहाँ रहती होती ना तो इसको तीर की तरह सीधा कर देती, इतना आपने इसको सर चढ़ाया। भाई हमने तो सुना था मेहमान 2 से 3 दिन के होते हैं, आप तो मुगलों की तरह आई हैं। छोड़ो भी ना, तुम भी इसे इग्नोर करो खामखा। मैं नहीं इग्नोर कर सकती इसकी बातों के। अब अगर इसने मुझे कुछ कहा ना तो चाहेगी पहले तेरी कमीज में उंडेल दूंगी मैं। मार्केट में बता रहा हूँ, मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा, ये जान की धमकियां दे रही है मुझे। अरे भाई चुप रहो तुम लोग, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी भी सुनो। अरे भाभी जान आपने क्या कहा, तू चल पहले यहाँ से। फायदा क्या, बातें तो मुझे वैसे भी सुननी है। भाई मुझे लगता है नायल का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। आपको कैसे पता चला? देखा मुझे पहले शक था। अरे आपका शक सर आंखों पे, लेकिन कैसे? रात को फोन पर बातें कर रहा था मैंने, इसके कमरे के बाहर खड़े होकर आवाजें सुनी थी बातों की। बातें तो मैं भी सुनता हूँ लेकिन मैंने शक कभी नहीं किया। अरे तो क्या करूँ मैं, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। कोई बात नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा। ले अब तो पीर साहब ने भी कह दिया तो ठीक हो ही जाएगा। छुरी से ना तेरा गला ही काट दूं, एक दफा तेरी तब जबान ही बंद कर दूं मैं। तमीज ना हो तो अब जब इसे से एक बात तो बताएं पीर है, तुझे फकीर बनाती हूं तो मैं। आप कुछ तो बोला करें, मुझे इससे दूर रखो बकवास से। अच्छा बात सुने, रात को मेरी जोया से बात हुई। किस बारे में? नाहिल के बारे में। अरे फजूल है, वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अच्छा आप कब से लव गुरु बन गए? जब से आपसे मोहब्बत हुई। सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही नहीं मस्के लगा रहे आप। यही तो तुम औरतों का मसला है, सच्ची बात भी मस्का लगती है। औरतों का? कितनी औरतों को जानते हो तुम? और ये बात पकड़ना एक और मसला। आज तुम्हें मुझ में कुछ ज्यादा नहीं खामियां नजर आ रही? यार निमरा जोया के बारे में तुम बता रही थी, वो बताओ ना यार, लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ वो मैंने उसको बहुत समझाया, पहले तो वो ही बेवकूफ वाली जिद, फिर समझ गई। क्या बात कर रही हो? अच्छा बात तो सुनो ना, फिर अचानक से नायल की कॉल आई, रात को उन दोनों की बात भी हुई। क्या बात कर रही हो? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मतलब तो ये क्या बार बार क्या बात करी हो, क्या बात करी हो के नारे लगाए हुए क्या है? मुझे यकीन नहीं आ रहा ना इसलिए। अच्छा मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं? यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार प्लीज। माफी का तरीका भी देख लो, जैसे किसी फकीर को कह रहा हो कि माफ कर दो, शर्मिंदगी तो है ही नहीं इसमें। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ओके मैं जा रहा हूँ ऑफिस से, मुझे लेट। नाश्ता तो करते हुए हो गया नाश्ता यार। ओके बाय, लव यू। लव यू टू, बाय। ऑमलेट खाओगे? वैसे तो मैंने नाश्ता कर लिया था, लुक्स सो गुड, एक बाइट तो ले ही सकती हूँ। ऑफिस नहीं जाना आज तुम्हें? जाना लेकिन थोड़ा लेट जाऊंगी। क्या हुआ आंख नहीं खुली? हाँ लेकिन वैसे भी थोड़ी देर से ही जाना था। जॉब के शुरू में ही ऐसी हरकतें, लगता है निकाली जाओगी बेटा। मुझे निकालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा बड़ी खुश लग रही हो, रात को लगता है अच्छी अच्छी बातें हैं। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं। मतलब लड़ाई हुई है? मैंने ये भी नहीं कहा। तो क्या बात हुई है? कुछ नहीं बस सॉरी कह रहा था, फिर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया तो मैंने फोन ही काट दिया। एक तो वो बेचारा इतनी एफर्ट मार रहा है, ऊपर से तुम्हारे नखरे,
अच्छा जब ऐसे भाई ने तुमसे पहले दफे बात की थी तुम तभी राजी हो गई थी शादी के लिए? नहीं उसको तो मैंने बहुत ख्वार किया था। लुक नायल को मैं जानती भी नहीं हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट जानना भी नहीं चाहती। आई मीन वो कैसा है क्या करता है क्यों करता है ये सब समझने के लिए बहुत टाइम की जरूरत है मेरे पास टाइम है नहीं। एक्चुअली पता क्या तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो और कंफ्यूज कर रही हो। अच्छा ऐसा है तो ऐसा ही सही। ऑमलेट तैयार है आ जाओ मैं अपना बना के आती हूँ। मेरे साथ खा लो मैंने कौन सा पूरा खाना है। श्योर हाँ बैठो बैठो बैठो। यार बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो है ना। अरे यार ये क्या दादागिरी है? मुझे बात करनी आपसे। तो करो मैं सुन लेता हूँ। ध्यान से सुनने वाली बात। फिर देखो आसपास कहीं इख्तियार तो नहीं है। बहुत सीरियस। काश कभी डॉक्टर भी तुम्हारे बारे में ये कहे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? अरे भाई सुन रहा हूँ। सुनूंगा नहीं तो किधर जाऊंगा। पानी में रहना है तो मगरमच्छ के साथ बैर तो नहीं ले सकता है ना। और इस मिसाल में पानी आप पानी की तरह आप। अच्छा बस फजूल बातें ना करें। मैं सोच रही थी कि हम लोग नायल के लिए जमाने भर में लड़कियां ढूंढते फिर रहे एक ढंग की लड़की हमें नहीं मिली। अब अंधों की तरह देख ही नहीं पाए कि लड़की तो घर में ही मौजूद है। इस घर में नहीं मेरा मतलब खानदान में मतलब मेरी बहन नायमा की बेटी रिमशा। अरे वो पागल सी जो है। पागल नहीं है वो। अरे पागल नहीं तो और क्या है बचपन में मट्टी का। अरे बचपन में खाती थी ना भाई। अरे घर की रवायत है भाई सारे खाते हैं। उसकी वालदा जो है मुल्तान से खास तौर पर मट्टी मंगवा खाती है। कब देखा आपने नायमा को मट्टी खाते हुए? अरे देखने की क्या जरूरत मैं खुद उसको ला कर देता था। अच्छा छोड़े फजूल बातें मैं आपसे कह रही हूँ रिमशा एक हीरा लड़की है। हीरा मैं कह रहा हूँ मिट्टी खाती थी तुम कह रही हो हीरा है। अरे इससे तो बेहतर मेरी चचेरी बहन की जो बेटी है इफ्फत। क्या बेचारी क्या माशाल्लाह लड़की है ईमान से मुंह बात करने की उसको तमीज। क्या मतलब है उस चंडाल को आप सुलझी हुई लड़की कह रहे हैं? इतनी बदतमीज और मुंह फट लड़की मैंने कभी नहीं देखी। ये तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए ये तो कोई अपनी अपनी सी बात लगनी चाहिए तुम्हें। क्या मतलब आपके ख्याल में मैं मुंह फट और बदतमीज हूँ? भाई ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं वालदा मरहूमा जो थी उनका भी कुछ ऐसे ही ख्याल था तुम्हारे बारे में। अच्छा बस मैं उनके बारे में कोई फजूल बात नहीं करना चाहती। अल्लाह उनकी मगफिरत करे बस। अगर करोगी भी फजूल बात तो वो आएंगी ख्वाब में और आके तुम्हारा गला घोंटेंगी। मैं कुछ नहीं जानती रिमशा नायल के लिए बेस्ट है बेस्ट। तुमने नायल से पूछा है? क्या यही कि वो इस पागल लड़की से शादी करना चाहता है? मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ मेरी भांजी को अगर आपने पागल कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा चलो किताब तो मुझे पढ़ने दो मैं वापस। और मैं एक बात बता दूं अगर नायल शादी नहीं करना चाहता ना तो मैं ये जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा। मैं बहुत सीरियस हूँ इसके बारे में। अच्छा याद रखिएगा अगर नायल ने खुद ना कहा कि मैं रिमशा से शादी करना चाहता हूँ मेरा नाम बदल दीजिए। वो भी क्या पता बचपन में मिट्टी खाता हूँ मुझे तो नहीं। अल्लाह क्या है आपको? क्या सीन है भाई ये बातें शाते हो रही हैं? हाँ भाई बातें शाते होंगी तुमसे तो बातें भी नहीं हो रही किसी काम के ना निकले तुम तो। आखिर कहा तुम्हारी बीवी काम आई उसी ने उसे कुछ समझाया और रोमाना। हाँ उसने उसे समझाया होगा और वो समझ गई होगी है ना। हाँ यार मुझे पसंद आ गई तेरी सानी। क्या कर रहा है यार आजता बोल किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? यही सोचेगा कि मक्कार दोस्त जो किसी के काम नहीं आ सका तो वो है। बड़ा ही ना शुक्र है यार तो कसम से अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया तेरी और जोया की मुलाकात के लिए। तू ले जा क्रेडिट। हाँ तो लूंगा। देख अगर मैं अपनी लाइफ दाव पे ना लगाता यानी निमरा से शादी ना करता तेरी और जोया की मुलाकात होती। बात तो तेरी 100% सही है लेकिन ये निमरा से शादी करना मतलब जिंदगी को दाव पे लगाना ये मुझे कुछ समझ नहीं। यार खुदा के लिए बोल मत देना यार महीनों की नाराजगी हो जाएगी प्लीज। नहीं मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ मैं क्यों बोलूंगा ऐसी बात। नहीं तो बोलेगा सच में बोलेगा? हाँ तो बाकी बोलेगा? बाकी बोलूंगा कसम से। कसम से फिर ये लास्ट लाइन मेरा। यार ये नहीं करो यार। हो गया गंदे हाथों वाला खा ले ना खा ले।
मैं भी निकला। इख्तियार, अरे इख्तियार, वैसे तो गुलदान में से निकल आता है मगर पता नहीं इस वक्त कहां गायब हो गया। इख्तियार जी मालकिन, तू कहां चला जाता है? मैंने कौन सा फ्रांस जाना था, किचन में ही था। अच्छा क्या चल रहा है? अरे मालकिन सब अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? मैं तेरा हाल चाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ नायल की जिंदगी में क्या चल रहा है। तो दिमाग ही चल रहा है, बल्कि दिमाग चल गया है। इख्तियार मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दे। मालकिन अब मुझे क्या पता उनके दिल में क्या चल रहा है। अरे तुझे क्यों नहीं पता होगा, हर कमरे में बाहर कान लगाए खड़ा रहता है तू। कौन मैं? नहीं मैं, देख याद रख, ऐसा ना हो सवा दो साल बाद तू मुझसे जूतियों से पिटे। अब मालकिन इस घर में मैं सबकी बातें सुनता हूँ, कभी मैंने किसी का राज किसी को बताया? नहीं बताया, लेकिन आज बताएगा। किस खुशी में? इस खुशी में कि मिसेस खान आई थी, वो कहती मैं मुलाजमों के रिश्ते भी करवाती। नहीं करे मालकिन फिर? हाँ फिर क्या, कहती मैं कोशिश करूंगी कुछ हो सकता है। मुझे लगा कि मुझे भी कोई लोग देखने आ रहे। हाँ आ सकता है अगर मैं चाहूँ तो। और आप तब चाहेंगी जब मैं आपको राज की बात बताऊँ। मेरे बच्चे तुम कितने स्मार्ट हो गए हो, हैं? चल जल्दी से बता। अरे भाई का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हाँ अच्छा क्या? चक्कर, सेटिंग, अफेयर, माशुकाना। और किसे? अब मालकिन फोन के अंदर कौन था ये तो मुझे नहीं पता, नाम हम याद नहीं मुझे। पक्की खबर है ना? पक्की 100%। मालकिन मेरी बात करेंगे? हेलो हेलो, अब हमें हेलो हाय से आगे निकल जाना चाहिए और दोस्त बन जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, और कोई काम तो है नहीं हमें। ये तो मेरा काम है, दोस्तियाँ करना और बातें बनाना। अच्छा लेकिन ये मेरा काम नहीं है, अब मैं अपना काम कर लूँ? काम तो आपने कर ही दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। क्या मतलब? लोग कहते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ। साफ सुथरे हो गए हो ना, इसलिए कोई पहचान नहीं रहा होगा तुम्हें। बैठ जाओ। आज शाम का क्या प्लान है आपका? घर जाने का। तो मेरा ड्रॉप करने का प्लान और रास्ते में कुछ खाने का। तो फिर आप अपना रास्ता लें और मैं अपना। अगर हम अपने छोटे छोटे प्लान्स को मिला के एक बड़ा प्लान बना लें तो क्या? तो फिर आप अपना प्लान बनाएं और मैं अपना प्लान बनाती हूँ। ओके मुझे काम करने दो आप। तो ठीक है फिर मैं 6 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे ऑफिस में पिक करने के लिए। लेकिन मेरा ऑफिस तो 5 बजे ऑफ होता है। मेरा भी ऑफिस 5 बजे बंद होता है, मैंने सोचा था 1 घंटा कुछ ट्रिमिंग करा लूं, बाल थोड़े बड़े हो गए। जी जी आप ट्रिमिंग करवाएं, हेयर कट करवाएं, मैनीक्योर पेडीक्योर सब करवा लें आराम से, ठीक है? मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मैं 4:30 बजे तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा ऑफिस तो 5 बजे बंद होता है ना। आधे घंटे तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। क्या मजाक कर रहा हूं यार, सी यू एट 5। अगर कोई गलत बात निकली तो देखियो, देख मैं तेरी जान निकाल दूंगी। मालकिन जितना पता था मैंने आपको सारी रिपोर्ट दे दिया। अच्छा तो ठीक है, मैं अपनी बहन नायमा को फोन करती हूँ कि अपनी बेटी रिमशा को नायल के रिश्ते के लिए फौरन भेज दिया। मुझे क्या बुजुर्ग समझ के बता रही है? तुझे तो इसलिए बता रही हूँ कि तू तो वैसे भी सुनगुन ले लेगा, छुप छुप के सुन ही लेगा कहीं से। अच्छा ठीक है मैं जरा नायमा को फोन करती हूँ। आई हाय मेरा चश्मा नहीं, इसका नंबर निकाल के जरा मिला के दे। हेलो क्या है? क्या क्या हो? लल्ला खैर नहीं नहीं हाय हाय क्या हो गया, क्या बात हो गई? मालकिन वो फोन आरजी तौर पर बंद। जान ले लूंगी तेरी।
दे दे फोन पे क्या तुझे फेंक दूंगी तमीज हाय हाय अरे वाह थैंक यू नहीं वो असल में इसका दरवाजा थोड़ा सख्त है ना लॉक का मसला है ठीक करा लूंगा फिर सही हो जाएगा जरूरत से ज्यादा बदतमीज मैं ये डर रहा था कि तुम पीछे ना बैठ जाओ इसलिए खोलने आया था हाँ पूरी जिंदगी ड्राइवर बन के थोड़ी रहना है मुझे बदला ले लिया तुमने मेरी बात हुई नायमा से फोन भी कर मारा भाई मुझसे सबर नहीं हो रहा था भाई आप दोनों ने तो जल्दी की हद ही कर दी एलो मैंने तो तुमसे कहा था अच्छा खासा बताया था तुम्हें बताया तो था पर मुझे ये थोड़ी पता था भाभी जान क्या फोन ही कर डालेंगी आज के आज मुझे तो पहले ही पता था कि बहुत एतराज होंगे तुम्हारे चचेरे भाई की बेटी होती ना तो ऐसा ना होता कभी मेरी भांजी जब भी तो बातें सुन रही हूँ मैं भाई जान देख रहे हैं आप जरा सी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हूँ अरे भाई मैं क्या देखूँ वो लड़की जो है वो पागल भाई देखो तो कैसे खुलेआम मेरी बहन की बेटी को पागल कह रही भाई जान बुरी बात है मैंने देखा वो अच्छी लगती है मुझे भी अरे भाई दुर्दाना आप तो एक तरफ हो ना बस भाजन बस कर इस बात अब इस कार्य खैर को अंजाम होने दे आने दो उस बच्ची को वैसे इन्हें अच्छी खासी पसंद है ये तो यूं ही अपनी भतीजी की वजह से ऐसी बात अच्छा छोड़े ना ये बताइए आपने कहा क्या बात क्या अरे मैंने नायमा से कहा तो वो तो खुशी से पागल हो गई मैं कह रहा हूँ वो तो दोनों माँ बेटी जो है दोनों की दोनों पागल भाईजान अच्छा नायमा ने बताया कि रिमशा की छुट्टियाँ होने बुला ले बुला लिया मैं कहता हूँ खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा अच्छा सुनो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है क्या तुम्हारी फेवरेट कजन मिलने आ रही है तुमसे रिमशा आ रही है अल्लाह कैसे समझ गया देखा इंतजार में था ना ऐसे जबरदस्ती लंच करना अच्छा लगता है क्या मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें नहीं अच्छा लगता बहुत पता मुझे यकीन ही नहीं आता कि मुझे तुम जैसे सड़ी हुई लड़की पसंद आ गई क्या तब सड़ू लड़की हूँ उसे मैं क्यों तुम हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हो कि मुझे गुस्सा आ मौजूदगी